KTM BS6 का है RC125 2022 अगस्त यानी एक साल पहले का है। हाँ। गाड़ी खाली 13,000 किलोमीटर चलेला है। हाँ। और उसका प्राइस 170 में आएगा, 5 साल का इंश्योरेंस है। अच्छा, ये KTM RC125 है, 1,50,000 में देंगे। इसका अपाचे RR310 मॉडल BS6 है, 2,70,000 में आएगा। खाली 1.25 लाख रुपए में आपको यहाँ पे KTM RC मिल रही है। 75,000 रुपए में आपको यहाँ पे ब्लू कलर की FZ5 मिल रही है। कॉन्टिनेंटल GT535 जल्दी 1.5 लाख रुपए में। 1.5 लाख रुपए में? हाँ। सिर्फ 1.5 लाख रुपए में आपको ये वाली गाड़ी मिल रही है। बाप रे, 25,000 रुपए लेके आओ और ये FZ5 लेके जाओ, बहुत सही गाड़ी है। देख ओ भाई, बहुत भाई। तो अभी हम लोग आ गए थे क्लासिक मोटर्स में, तो यहाँ पे आपको ना जो गाड़ी चाहिए वो सारी गाड़ी बहुत अच्छे डील में मिल जाएंगी। तो मेरे पीछे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी है, ये देख रहे हो। तो ये पूरा अंदर का स्टॉक है, इसमें आपको सारा KTM वगैरह बाहर भी गाड़ी का पूरा स्टॉक है, वो सारे आज मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो सर बताओ सबसे पहले कौन सी गाड़ी है? ये यामा BS6 R15 Version 4 है। हाँ। 2022 मॉडल है, 8,200 किलोमीटर खाली चला है। हाँ। गाड़ी फर्स्ट ओनर है, 1,80,000 में आएगा। हाँ। विद ट्रांसफर एवरेज थी। हाँ। ये बताओ, ये बजाज अवेंजर 220cc है। हाँ। क्रूज मॉडल है। हाँ। ये आपको पड़ेगा 70,500 में। सिर्फ 70,500 में आपको यहाँ पे ब्लैक कलर की अवेंजर मिल रही है, देख रहे हो। गाड़ी फुल कंडीशन में, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 2018 का मॉडल है। अच्छा, ये फर्स्ट ओनर है और 2018 का मॉडल है। सब फर्स्ट ओनर ही है गाड़ी मेरे। चलो ओके, तो इसके बाद जिन लोगों को KTM बहुत पसंद है लेकिन नया वाला लुक, अगर आपको पुराना वाला लुक चाहिए तो वो वाला भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक नए वाले मूल का मॉडल है। बताओ, ये KTM BS6 का है, RC125। हाँ। 2022 अगस्त यानी एक साल पहले का है। हाँ। गाड़ी खाली 13,000 किलोमीटर चलेला है। हाँ। और उसका प्राइस 170 में आएगा, 5 साल का इंश्योरेंस है। अच्छा, ये 200cc है? 125 सीसी आपको 1,00,000 कितना अंकल? 75,000। 1,75,000 रुपए में आपको ये वाली KTM मिल जाएगी, 125cc और नया मॉडल है ये। एक साल भी नहीं हुआ गाड़ी। हाँ, एक साल भी नहीं हुआ, मतलब इंश्योरेंस वैलिड होगा? 5 साल का इंश्योरेंस। अरे बाप रे, 5 साल का इंश्योरेंस वैलिड है इसमें, देख रहे हो कलर वगैरह, देख रहे हो। तो चलो, ये एक होगी। ये KTM RC125 है, ये BS4 है। हाँ। 2020 मॉडल है, 16,000 किलोमीटर चला है। हाँ। फर्स्ट ओनर है। हाँ। ये 1,50,000 में देंगे। अरे बाप रे, 1,50,000, मैंने बोला ना जिन लोगों को पुराना वाला लुक पसंद है उनके लिए भी यहाँ पे गाड़ी है। ये RC200 है, 2022 मॉडल, ये भी एक साल पहले का है, खाली 15,000 किलोमीटर चलेला है। हाँ। फर्स्ट ओनर है, 5 साल का इंश्योरेंस है। हाँ। 1,80,000 में आएगा खाली। 1,80,000 रुपए में आपको ये वाली गाड़ी मिल जाएगी, 2022 का मॉडल है, नई, एक साल पहले। और गाड़ी का कलर देख रहे हो, मतलब कितना शाइन है, बिल्कुल क्रैश वगैरह कुछ भी नहीं है। ये देखो, बहुत अच्छी लगी ये पर्सनली मुझे। तो इसके बाद अपन बात करते हैं, ये कौन से अंकल बताओ? ये बजाज पल्सर 250cc है। हाँ। ABS मॉडल, ये भी एक साल पहले का है, खाली चलेला है 16,000। 5 साल का इंश्योरेंस है, फर्स्ट ओनर है, 1,30,000 में आएगी खाली। 1,30,000 रुपए में आपको ये वाली गाड़ी मिल जाएगी। हिमालय है, हिमालय का स्क्रैम गाड़ी है, 2022 का है, 15,800 किलोमीटर चला है। फर्स्ट ओनर है, 5 साल का इंश्योरेंस है, 2,10,000 में आएगा। 2,10,000 अगर ये नहीं खरीदने के लिए जाओगे तो कितनी प्राइस? 2,85,000 में। गाड़ी वेटिंग है, 3-3 महीना, 3-3 महीना वेटिंग है। बाद यहाँ पे टूरिंग के लिए अगर आपको गाड़ी चाहिए ना, BMW टूरर। हाँ, तो बताओ। ये BMW टूरर बाइक है, GS मॉडल है, 310cc का है। हाँ। BS6 है। हाँ। 22 को 15-20 दिन कम है, 19,000 चलेला है। हाँ। फर्स्ट ओनर है, 5 साल का इंश्योरेंस है। हाँ। 2,85,000 में आएगा, 2,85,000 में आपको ये वाली टूरिंग, 4 लाख का। हाँ, और नई गाड़ी लेने के लिए चाहोगे तो आपका 4.25 लाख रुपए जाएंगे, और यहाँ पे ये गाड़ी सिर्फ आपको 2,85,000 में मिल रही है। गाड़ी की कंडीशन दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देख रहे हो, तो बहुत बड़ी गाड़ी है यार BMW कंपनी की, तो अच्छी लगी मुझे। तो इसके बाद अंकल ये कौन सी है बताओ? TVS Apache, TVS का Apache RR310 मॉडल। हाँ। BS6
एक साल पहले का है, खाली 4400 किलोमीटर चला है, 5 साल का इंश्योरेंस वैलिड है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 2,70,000 में आएगा। चलो ये आप 4 लाख के ऊपर है ये। अच्छा, नई गाड़ी खरीदने के लिए जाओगे तो 4 लाख के ऊपर, ये गाड़ी आप नई खरीदने के लिए जाओगे तो 4 लाख तो जाएंगे आपको। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये 2,75,000 रुपए में मिल जाएगी। रेड कलर देख लो, रेड ब्लैक कॉम्बिनेशन है, काफी अच्छी लग रही है। तो इसके बाद आप हम बात करते हैं, यहाँ पे और एक KTM है, कावासाकी निंजा है और यहाँ पे डोमिनोर है। तो ये तीनों बाइक के बारे में बात करते हैं। तो अंकल सबसे पहले KTM बताओ। ये फर्स्ट मॉडल का गाड़ी है, 2015 का, 20,000 किलोमीटर खाली चला है गाड़ी अभी तक फर्स्ट और 1,25,000 में आएगा, खाली 1,25,000। खाली 1,25,000 रुपए में आपको यहाँ पे KTM RC मिल रही है। ये कौन सी है बताओ? ये कावासाकी निंजा है, 650 cc, 2019 मॉडल है, 19,000 चला है, 5 साल का इंश्योरेंस है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 4,70,000 में आएगा। और नई खरीदने के लिए जाओगे तो? नवी 9 लाख। अरे बाप रे, 9 लाख की गाड़ी यहाँ पे आपको कितने अंकल कितने में दे रहे हो? 4,70,000। सिर्फ 4,70,000 रुपए में आपको ये वाली मिल जाएगी। इसका कलर काफी अच्छा लगा, हाईलाइट कलर है, देख रहे हो, 650 cc गाड़ी है। एक बार आप लोगों को मैं दिखाऊंगा और ये गाड़ी में स्टार्ट करके आप लोगों को इसका मतलब एग्जॉस्ट भी सुनाऊंगा। तो वहाँ पे जो एक डोमिनर है ना, उसके बारे में बात करते। तो अंकल बताओ डोमिनर। डोमिनर 250 cc है, 2022 का मॉडल है, खाली 6,500 किलोमीटर। हाँ, फर्स्ट ओनर है, 5 साल का इंश्योरेंस है, 1,75,000 में आई। 1,75,000 रुपए में आपको डोमिनर मिल जाएगी। और 2022 का मॉडल है, नया नया मॉडल है और 6,500 किलोमीटर गाड़ी सिर्फ चल चुकी है, देख रहे हो ब्लैक कलर में यहाँ पे। तो ये हो गया अंदर का स्टॉक। तो यहाँ पे और भी 2, 4, 5, 6 गाड़ी है, वो भी आप लोग दिखाऊंगा। उसके बाद में बहुत अच्छी गाड़ी आप लोगों को बाहर दिखाऊंगा, जावा, KTM ड्यूक वगैरह बहुत सारे। तो सर बताओ ये गाड़ी कौन सी है? ये यामा का गाड़ी है, FZX, जो नया मॉडल लॉन्च हुआ है, ABS है, BS6 है, 2021 का मॉडल है, 16,500 खाली चला है, फर्स्ट ओनर है, 5 साल का इंश्योरेंस है, 1,25,000 में आएगा, 1,25,000 रुपए में होगी। तो अगर आपको मतलब टूरिंग के लिए एक छोटी वगैरह बाइक चाहिए कम सीसी वाली, तो यहाँ पे एक एक्सपल्स है, इसको हीरो कंपनी का है, एक्सपल्स बोलते हैं, 200 cc का ABS, 2022 का है, 12,000 किलोमीटर खाली चला है, फर्स्ट ओनर है, ABS है, और 5 साल का इंश्योरेंस है, 1,32,000 में है। 1,32,000 रुपए में आपको ये एक्सपल्स मिल जाएगी, व्हाइट कलर में, काफी अच्छी टूरिंग बाइक है, ऑफ रोडिंग के लिए भी बहुत सही गाड़ी है। 2017 मॉडल है, 20,000 चला है, फर्स्ट ओनर है गाड़ी, 1 साल का इंश्योरेंस करके 75 में आएगा, खाली 75,000। खाली 75,000 रुपए में आपको यहाँ पे ब्लू कलर की FZ5 मिल रही है, यामा FZ5। चलो यस है का यामा FZS। चलो तो यहाँ पे आपको यामा FZS मिल जाएगी सिर्फ 75,000 रुपए में। तो इसके बाद यहाँ पे एक KTM ड्यूक है 200, तो बताओ। ये KTM ड्यूक 200 cc का है, ABS, BS6 मॉडल है, 1 साल पहले का है, बहुत कम चला है, खाली 8,000 किलोमीटर चला है, 1,90,000 में आएगा, सिर्फ 1,90,000 रुपए में आपको 200 cc वाली KTM ड्यूक मिल जाएगी, 200, काफी अच्छी। तो अभी हम लोग बात करते हैं रॉयल एनफील्ड की, कौन सी है बताओ? इंटरसेप्टर 650 cc ABS गाड़ी है, 2019 मॉडल है, खाली 9,500 चला है, गाड़ी फर्स्ट ओनर है, 5 साल का इंश्योरेंस है, 245 में आपको नाम पे करके मिलेगा, 2,45,000 रुपए में आपको इंटरसेप्टर मिल जाएगी, 650 cc ABS गाड़ी, 650 cc गाड़ी है और सिल्वर कलर की गाड़ी, गाड़ी पूरा मतलब क्रोम वगैरह ये देख रहे हो, स्क्रैचलेस गाड़ी है, पूरा स्टील वगैरह ये देख रहे हो क्या लग रही है, और इसका जो साइलेंसर है वो काफी अच्छा लग रहा है, डबल साइलेंसर गाड़ी है। चलो तो ये कितने की? ये 2,45,000, 2,45,000 की आपको ये गाड़ी मिल जाएगी, तो 4 लाख। हाँ चलो, नई नई गाड़ी लेने के लिए जाओगे तो 4 लाख की गाड़ी है। तो इसके बाद यहाँ पे एक पल्सर है, तो बताओ। वो 2022 मॉडल है, पल्सर 125 cc ABS, फर्स्ट ओनर, 5 साल का इंश्योरेंस है, ये गाड़ी खाली 80,000 रुपए में आएगी, सिर्फ 80,000 रुपए में आपको यहाँ पे पल्सर मिल जाएगी, देख रहे हो ब्लैक कलर की गाड़ी है, कम चली, ब्रांड न्यू गाड़ी। हाँ, ब्रांड न्यू गाड़ी है। तो चलो, तो ये हो गया अंदर का। तो इनके बाद में गाइस आप लोग एक चीज बता देता हूँ, तो इनके बाद ना हर हफ्ते स्टॉक चेंज होता रहता है, तो बहुत सारे गाड़ी है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे 9 KTM है, तो अगर आपको KTM लेने ना तो आप इधर आके जरूर ले सकते हैं। अब मैं जाता हूँ बाहर, बाहर इनके पास ना बहुत सारे मतलब दावा वगैरह और भी KTM है, और भी बहुत सारे गाड़ी है, वो भी आप लोग दिखाता हूँ। तो चलिए भाई, चलो
मॉडल VS6 2021 का है, खाली 18,000 चला है। फर्स्ट उन्होंने 5 साल का इंश्योरेंस है, खाली 1.5 लाख में आया, खाली 1.5 लाख रुपए में आपको ये वाली जावा मिल जाएगी। जावा कलर देख रहे हो गाड़ी का, क्या कलर है गाड़ी का, स्टील वगैरह है तो इंजन वगैरह कितना पावरफुल है, काफी अच्छी लग रही है ये वाली। ये TVS N-Cross है, तो अभी हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे एक और एक स्कूटी है, तो स्कूटी के कितने किलोमीटर चली है, कितना किलोमीटर चली है, गाड़ी की प्राइस क्या है वो भी बता देते हैं, तो बताओ। ये TVS N-Torque है, 2020 दिसंबर का फर्स्ट ओनर, 5 साल का इंश्योरेंस है, 19,500 किलोमीटर चली है ये गाड़ी, आपको खाली 82,000 में आएगी। अच्छा, नई लेने के लिए 1,25,000, 1,25,000 की गाड़ी यहाँ पे आपको सिर्फ 80,000 रुपये मिल जाएगी। ओके, चलो यहाँ पे 80,000 में आपको ये रेड कलर की ये गाड़ी मिल जाएगी, बहुत बढ़िया गाड़ी है। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये सारी गाड़ी इनके पास ही है, तो इसमें से आप मेन गाड़ी उठाएंगे, तो जैसे कि वहाँ पे एक KTM Duke है, और यहाँ पे कौन सी भाई, कॉन्टिनेंटल, ये भी बहुत फेमस है, ये भी उठाएंगे, और वहाँ पे पल्सर RS 200 है वो भी उठाएंगे, और वहाँ पे और एक KTM है वो भी उठाएंगे। जावा बॉबर है, 2023 मॉडल है, खाली 1400 किलोमीटर चला है, 2,20,000 में आएगा, फर्स्ट ओनर, 5 साल का इंश्योरेंस, 5 साल का इंश्योरेंस भी आपको इसमें मिल जाएगा। बाकी गाड़ी आप लोग थोड़ा करीब से देख सकते हैं, देख रहे हो। और तो अभी ना गाइस, मैंने जितना भी अंदर का स्टॉक है ना वो सारा दिखा दिया भाई, बहुत बाहर ना बहुत मतलब भीड़ हो रहा है, इसके वजह से आवाज में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप तो समझ जाना थोड़ा मतलब इसका इश्यू है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा जोर से बोलने की। तो यहाँ पे और एक KTM है भाई, ये कौन सा 2021 की 125 न्यू लुक की है। हाँ, अभी ओल्ड लुक न्यू लुक क्या है, अभी ज़्यादा लुक है ना, न्यू लुक को भी ज़्यादा डिफेंड कर रहे हैं। हाँ, तुमको आएगी 175 में, ये आपको सिर्फ 1,75,000 रुपये में आ जाएगी, है ना, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, और गाड़ी का कलर देख सकते हो, व्हाइट रेड ऑरेंज व्हाइट कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छी लग रही है। तो इसके बाद यहाँ पे ये कौन सी है, फैशन प्रो, हाँ 2021 के है। हाँ, अभी तुमको मिल जाएंगे सिर्फ 75 में, सिर्फ 75,000 रुपये में आपको पैशन प्रो मिल जाएगी, ब्लैक कलर की, देख रहे हो, ओके कंडीशन में गाड़ी है, तो इसके 25,000 रुपये लेके आओ। हाँ, पर ये पैशन प्रो लेके जाओ। अभी हम लोग बात करेंगे रॉयल इनफील्ड की, यहाँ पे कौन सी है, कॉन्टिनेंटल GT 535, जल्दी मिलता ना, 1 सिलेंडर गाड़ी है। हाँ, ये तुमको मिल जाएगा, 2016 का मॉडल है। हाँ, ये मिल जाएगा तुम्हारा 150 में, 1.5 लाख रुपए में। हाँ, सिर्फ 1.5 लाख रुपए में आपको ये वाली गाड़ी मिल जाएगी भाई। वैसे कितने किलोमीटर चले, ये 10,500 किलोमीटर, सिर्फ 10,500 किलोमीटर। और मॉडल कौन सा है, 2016 का मॉडल है, देख रहे हो, ब्लैक कलर में मिल जाएगी। और ये अभी नई खरीदने के लिए जाओगे कितना, अभी नहीं मिलती इसने पहली बार, अरे बाप रे, ये तो मिलती ही नहीं। हाँ, 360 नहीं आई, तो अगर आपको ये वाली चाहिए ना, तो यहाँ से उठा के लेके जाओ। तो इसके बाद यहाँ पे और एक बुलेट है, तो बताओ, स्टैंडर्ड है, इलेक्ट्रा बटन स्टार्ट गाड़ी है, 2021 का है। हाँ, मिल जाएगा 180 में, 180। हाँ, सिर्फ 1,80,000 रुपए में यहाँ पे आपको रॉयल इनफील्ड की बुलेट मिल जाएगी, देख रहे हो, देखो 19,000। चलो ओके, बहुत बढ़िया गाड़ी लग रही है, देख रहे हो, पूरी ओके कंडीशन में गाड़ी है। तो इसके बाद यहाँ पे एक FZ5 है, बता, 2020 की गाड़ी है। हाँ, सिर्फ मिल जाएंगे 1,07,000 में, 25,000 रुपए लेके आ जाओ, गाड़ी लेके जाओ, अरे बाप रे, 25,000 रुपए लेके आओ, और ये FZ5 लेके जाओ, बहुत सही गाड़ी है, देख रहे हो, ब्लू कलर में आपको। चलो इसके बाद यहाँ पे एक पल्सर RS, बता, 25,000 लेके आ जाओ, गाड़ी लेके जाओ, अरे बाप रे, 25,000, 16 का है, 1,00,000 रुपए में मिल जाएगा नाम पे करके। हाँ, फर्स्ट ओनर है। हाँ, किलोमीटर कुछ तो 23-24,000 हो गया, सिर्फ 23-24,000 गाड़ी चलिए, 25,000 रुपए लेके आओ, और ये गाड़ी लेके जाओ, बहुत सही गाड़ी है, देख रहे हो। तो अब इसके बाद अब हम कौन सी दिखाएं, एक्टिवा 2021 की है, 6G, ब्लैक कलर है, ये मिल जाएंगे सिर्फ तुम्हारे को 75 में, 1,000 रुपए लेके आओ, गाड़ी लेके जाओ, अरे बाप रे। चलो ये इन्होंने ना बहुत अच्छे मतलब यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह निकाला है। तो यहाँ पे एक ये KTM है, RC 200 इतनी गाड़ी, ठीक है, प्राइस बताना फिर भी, 1,65,000 में दे इच्छा आपने, 1,65,000 में देनी क्या आपने वो गाड़ी। हाँ, फर्स्ट ओनर है, 31,000 चली किलोमीटर है, तो 70,000 रुपए लेके आओ, गाड़ी लेके जाओ। तो ये गाड़ी का सीन में आज आप लोगों का बता देता हूँ, यहाँ पे मैं ब्लॉग शूट करने आया था, तो मेरे सामने ये गाड़ी देख रही है, 1,60,000 रुपए की ये गाड़ी बिक चुकी है, तो यहाँ दिया कस्टमर को 10,000 रुपए, अरे बाप रे, 10,000 का डिस्काउंट वगैरह भी दिया, तो बहुत अच्छी गाड़ी मिली उस कस्टमर को। तो अभी अपन चलते हैं अंदर,
तो चलिए और एग्जॉस्ट सुनाते हैं आपको एक एक गाड़ी का। चलो अभी मैं आप लोगों का ना ये जावा का ना एग्जॉस्ट सुनाने वाला हूँ, तो इसका आवाज़ कैसा आता है वो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आएगा मेरा दोस्त, मतलब वो अंदर है ना भाई, वो चाबी लेके आएगा। मैं तो KTM का भी सुनाना चाहता हूँ मैं ये वाली, क्योंकि ये ओल्ड वाले, उसके बाद अपन अंदर ने निंजा वगैरह ना उसका भी एक दोनों आप लोगों को सुनाता हूँ। तो इसका सुना दे भाई। ओके कंडीशन है गाड़ी, पूरी ओके है, मतलब आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, बहुत सही गाड़ी लगी ये वाली भी। तो इसके बाद ये वाली, हाँ ये दावा कौन सी है भाई? क्लासिक ना। हाँ अच्छा, इसका बता दे साउंड टेस्ट। तो इसका भी काफ़ी अच्छा लगा। तो मेरे को आपको गाइस ना यहाँ पे KTM का तो आपको पता ही है, तो बाकी मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ना ये कावासाकी निंजा का दिखाना चाहता हूँ, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम ही है, देख रहे हो। तो यहाँ पे जितना भी गाड़ी है ना वो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगे। तो अभी हम इसका सुनाएंगे स्पेशल। तो ये होगी स्टार्ट, इसका मीटर पर तो अगर आपको यहाँ से गाड़ी वगैरह लेनी है ना तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपको सारा गाड़ी का डिटेल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा और यहाँ पे बहुत सही गाड़ियाँ मिलती है। तो अगर आपको यहाँ से गाड़ियाँ वगैरह लेना है ना तो मेरे को जरूर कमेंट करके बताना, मैं आपको यहाँ पे हर हफ्ते आके डेली अपडेट देता रहूँगा कि इनके पास कौन सी गाड़ी आई। तो अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय, जय श्री राम। चलो अपन चलते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए तो आज की अपडेट है ना, आप देखना बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ पे ना सर की भी रेंट है और काफ़ी अच्छा भी लोकेशन वगैरह सब कुछ है। तो मैं आप लोगों को उधर जाके सब कुछ दिखाऊंगा। तो चलिए